क्योंकि यहाँ पे हम रोजी रोटी कमाते थे। अच्छा। कल यहाँ ठेकेदार और रॉयल्टी वाले आ गए, उन्होंने हमारे रास्ते जो है जहाँ से हमारी गाड़ी आती थी वो रास्ता काटा है उन्होंने। अभी हमारे वहाँ पे कहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती है सर, इसलिए हम मजबूर होकर यहाँ पे हम अभी हमने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन हम आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, अगर ऐसे ही हालत रही तो कल इंशाल्लाह हम गांधरबल चौक में होंगे। हम कल डीसी ऑफिस के सामने ऐसे ही प्रोटेस्ट, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी एक और दिक्कत है, हमारी पास जब गाड़ी आती है वो जब हमारी से हमसे वहाँ बाजरी ले जाते हैं तो रॉयल्टी वाले उनको पकड़ते हैं, पीछा करते हैं उनके, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हुए हैं गांधरबल में। दो एक्सीडेंट हुए हैं गांधरबल में, वो हुए रॉयल्टी वालों की वजह से। वो अपनी पैसों के लिए सब करते, 20,000-25,000 वो जुर्माना करते गाड़ी वाली को। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है, टेंडर दिया है नदी के, वो वापस हो जाए। बस जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम ये प्रोटेस्ट कभी बंद नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ठेकेदार वापस नहीं जाएंगे। ये हमारी मांग है, हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि ये टेंडर को वापस करो।